बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज 5.2 ग्रेविटेशनल फील्ड। इस टॉपिक को समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फील्ड क्या है। फील्ड इज़ एन एरिया, ठीक है, यानी कि वो एरिया होता है, एक स्पेसिफिक रीजन होता है किसी भी जगह पे। और ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज़ अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी वन ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिखने का तरीका देखते हैं। इसके को लिखने के लिए अगर आपको बस ग्रेविटेशन फील्ड आ जाता है, तो उसके बाद आप सबसे पहले फील्ड को डिफाइन करेंगे, फिर ग्रेविटेशन को डिफाइन करेंगे, जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद आप ग्रेविटेशन फील्ड की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। दैट इज़ द फील्ड इन एन रीजन इन स्पेस इन विच अ पार्टिकुलर वुड एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो फील्ड एरिया होता है, ग्रेविटेशन जो है वो फोर्स है। तो ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो एरिया होगा जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जो है वो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक को लिखने के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम फील्ड फोर्स लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड लिखेंगे, फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखेंगे, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी ऑफ मास एम एंड द अर्थ इज गिवन बाय, हमने जैसे कि देखा था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू जी एम एम ई बाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला आया था। एक एम जो है वो मास है, जिसको हमने कंसिडर किया था मून, और एम ई जो है वो मास ऑफ अर्थ है, और इस ओवर आर टू, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के रेडियस का स्केयर लेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा फार्मूला, ठीक है। वेयर एम ई इज़ द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। हमने हमारे फर्स्ट जो लेक्चर था इसमें उसमें देखा था, बुक का पेज नंबर आप देखें 107, तो वहाँ पर आपको ये फार्मूला गिवन है, ठीक है। आगे चलते हैं, द वेट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी जो है वो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है उसके इक्वल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर रही होती है ऑब्जेक्ट के साथ, देखेंगे ये बस एक्सपीरियंस की जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी थ्रोन अप गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल ऑन रिटर्न इट वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो जब वो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाता है, तो उस वक्त थोड़ा भारी और थोड़ा आस्ता हो जाता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन जब नीचे गिरता है, तो बड़ी तेज़ी के साथ गिरता है, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। ये जो है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, यानी कि ज़मीन ने उसको कितनी ग्रेविटी के साथ खींच लिया है, वो उसकी वजह से वो होता है, ठीक है। ओके, सो अ फोर्स इज़ कॉल्ड द फील्ड फोर्स, ठीक है। तो ये जो है वो फील्ड फोर्स कहलाती है। इट इज़ एज्यूम दैट अ ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ, अच्छा ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ज़मीन के गिर्द जो है वो और ज़मीन राउंड है, तो उसके हर तरफ जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। इसीलिए जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है अदर प्लैनेट्स को, ठीक है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। सन भी जो है वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, मून भी कर रहा होता है, तो वो सिर्फ इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। आगे चलते हैं, द फील्ड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एज शोन बाय द एरो इन फिगर। ओके, इस फिगर में देखिए आप, इस फिगर में तमाम एरोस जो हैं वो ज़मीन के सेंटर की तरफ हैं, ठीक है। तो इस से ये नज़र आता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से जो है वो निकल रही है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम वीकर एंड वीकर एज वी गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। मैंने आपको ये भी बताया था कि स्पेस में जो ग्रेविटी फोर्स है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे हम ज़मीन से बाहर जाते जाएंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम से कम होती जाएगी, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हला में, उसको हला कहते हैं, जहाँ पे आपके जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इट इज़ द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की अगर हम डेफिनेशन लिखें, तो वो ये है कि द ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो वैल्यू ऑफ जी के इक्वल है, यानी कि 6.673 × 10⁻¹¹, ठीक है। आगे देखते हैं, एट दैट पॉइंट नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 N/kg, ठीक है। तो यही फोर्स ऑफ जी भी है। अब जहाँ पे जी की वैल्यू लिखेंगे, अब 10 N/kg लिखेंगे, और जितनी भी हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो भी इतनी ही होती है, वो सिमिलर होती है वैल्यू ऑफ जी के, ठीक है।
तो होप ये टॉपिक आपको यहाँ पे समझ आ गया है। इसको लिखने का पैटर्न मैं आपको आगे पिक्चर में जूम इन कर देती हूँ, वहाँ पे देखते हैं, और अगर कोई इसमें पॉइंट आपको मिसिंग है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।